एवरीवन, मैं रश्मि। वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद रश्मि। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो एग्जाम पोस्टपोन होंगे थे, क्या वो फिर से होंगे या नहीं। तो देखिए, सीबीएसई ने क्लियर किया है, अगर हम एक्सपर्ट्स की माने तो सीबीएसई ने बोला है कि 14 अप्रैल, जब तक हमारा लॉकडाउन है इंडिया में, उसके बाद जैसे ही लॉकडाउन की कंडीशन क्लियर होती है, अगर सब कुछ पॉजिटिव रहा तो सीबीएसई एक रिवाइज्ड डेटशीट अपलोड करेगी, जो आपका cbse.net.in पर बताया जाएगा। वहां पर सीबीएसई एक नई डेटशीट दे देगी और वो एग्जाम्स, अगर एक्सपर्ट्स की माने तो वो एग्जाम्स अगर अप्रैल तक हो जाते हैं तो आपका रिजल्ट भी सीबीएसई 20 मई तक डिक्लेयर कर सकती है। 20 मई या मई एंड तक आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो ये चीज सीबीएसई भी बहुत ध्यान में रखे हुए है कि आपके जो एग्जाम्स बचे हुए हैं या आपका रिजल्ट काफी मैटर करता है, क्योंकि उसी के बेसिस पर आगे कॉलेज में एडमिशन भी होना है। 10th के तो काफी हद तक एग्जाम्स खत्म हो चुके थे, केवल 2 एग्जाम्स पेंडिंग है, लेकिन 12th के काफी एग्जाम्स अभी ऐसे हैं जो नहीं हुए। तो उनके लिए सीबीएसई ने क्लियर किया है कि जब तक 14 अप्रैल तक का लॉकडाउन है, उसके बाद ही सिचुएशन क्लियर की जाएगी, रिवाइज डेटशीट आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। तो मेरे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि घर पर ये सोचकर बिल्कुल ना बैठे कि एग्जाम नहीं होना, आप लोग थोड़ा थोड़ा अपना रिविजन करते रहें टाइमली, ठीक है। तो जैसे ही कोई सीबीएसई कोई नई अपडेट देती है या रिवाइज डेट शीट बताती है, तो मैं आपके साथ वो शेयर कर दूंगी, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे कि कब एग्जाम होना है और कैसे एग्जाम होना है। बाकी मेरी कुछ वीडियोस हैं, क्लास 12th अकाउंटेंसी की भी है, इकोनॉमिक्स की भी है, 11th एंड 12th की, अगर आपको वहां से कोई हेल्प चाहिए तो आप वो हेल्प ले सकते हैं या अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं कि जहां भी उन्हें कोई डाउट होगा वो ये वीडियोस देखकर उनकी हेल्प हो सकती है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, नए एग्जाम्स की डेट के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।